हमें इतना करना है कि चमकते हुए भूभाग को छोड़कर दुर्ग की प्राचीर तक पहुंचना है, उस पर चढ़ के भीतर जाना है और जैमल जी को उन मुगलों से छुड़ाना है। आज अगर तुम्हारे दिमाग में देशभक्ति का ये बेवकूफाना फितूर नहीं होता तो तुम यू फांसी के फंदे पर नहीं लटक रहे होते बल्कि मेरी तरह ऐश कर रहे होते। लेकिन तुम्हें तो मरना है और वो भी वतन के लिए, तो मरो। क्या आप लोगों ने इस तरफ किसी को जाते हुए देखा है? हाँ, उस तरफ गया, उस तरफ। समय हाथ से निकलता जा रहा है, मुझे ये संदेश जल्द से जल्द कुंवर प्रताप तक पहुंचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप सभी हमारा संकेत मिलते ही एक एक कर हमारे पीछे आएंगे, ठीक है? ये लड़की सदैव अति उत्साहित रहती है। खेतु, चलिए। किधर जा रहे हो भाई? मेड़ता। मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी मेड़ता ही जा रहा हूं। हाँ, बैठो। शुक्रिया। हाँ, रुक जाओ। पहले हमसे तो मिलो। नीचे उतरो सब लोग। सब लोग भाई हो, तलाशी लो इनकी अच्छी तरह से। गर्दन ऊपर करो। करो सुना नहीं तुमने हमने क्या कहा? अपनी गर्दन ऊपर करो। आप लोगों ने इस तरफ किसी को जाते हुए देखा है? हाँ, उस तरफ गया। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। पकड़ो इसे सिपाहियों। चालाक समझती हो ना अपने आप को? अब बताता हूं तुझे। मैं इतनी आसानी से तुम मुगलों से नहीं हारने वाला। बहुत अच्छा हुआ कि बाकी सिपाही भी आ गए। अब तुम यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकते।
मारना नहीं है इसे, इसे तो जिंदा पकड़ना। तुझे जिंदा इसलिए छोड़ा है कि तेरी जान बहुत ज्यादा कीमती है मेरे लिए। मुझे ये जानना है कि तू मेवाड़ के किले से कौन सा पैगाम लेकर आया था और किसके पास लेकर जा रहा था। तू ये बात कभी नहीं जान पाएगा मुगल। तलाशी लो इसकी। बहुत चालाक समझती हो अपने आप को, अभी दिखाता हूं तुझे। राजपुताने की स्त्री की ओर हाथ उठाने का फल है। जो भी हमारी स्त्रियों की ओर हाथ उठाए हम काट के रख देंगे हाथ। ऐसे नहीं बताएगा। बता तू मेवाड़ से कौन सा पैगाम लेकर आया था। बता कौन सा पैगाम लेकर आया था और किसके पास लेकर जा रहा था। बता, बता, बता। और ले चलो इसे अपने खेमे में। अब इधर आइए, हमारे पीछे आइए। क्या हुआ, आप छूकर दिखाओ। तुम सब इनका अपमान कर रहे थे ना। पूरब की ओर जाइए, चंपा पश्चिम की ओर जाइए। एक भी सैनिक बचकर दुर्ग के भीतर नहीं जाना चाहिए। यदि दुर्ग के भीतर ये भनक तक हुई कि यहां तक पहुंच गए हैं तो राजा जामल जी के प्राणों को संकट और बढ़ जाएगा। इतनी शानदार शख्सियत और महज अपनी बेवकूफी की वजह से मर रही। वही होना। अच्छा तुम स्वयं हमारे पास आ गए। इस धरती पर तुम्हें महिलाओं का सम्मान करना पड़ा। फिर तुमने अगर किसी भी स्त्री पर आंखें उठाई हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। तुम मुगल को कभी नहीं सुधर सकते। हुकम, हमारी प्रजा आपसे निवेदन करना चाहती है कि जब तक रावत जी अपने सैनिक कुमुक के साथ नहीं लौटते हैं तब तक मेवाड़ का बच्चा बच्चा मुगलों से लड़ना चाहता है। हाँ हाँ हम लड़ेंगे, हाँ हाँ लड़ेंगे। हम अपनी मातृभूमि के लिए तक प्राण दे देंगे, प्राण दे देंगे। महाराज हम हमारे धरती पर मुगलों को नहीं रहने देंगे। हम एक एक मुगल को यहाँ से मार भगाएंगे। हम आप सबकी भावनाओं के प्रति हृदय से आभारी। आपका ओजस्वी देश प्रेम हमें अकबर से लड़ने में एक नई ऊर्जा देगा। हम आपको विश्वास दिलाते कि विजय हमारी ही होगी। जय मेवाड़।
किंतु इस समय स्थितियां नियंत्रण में हैं। इसलिए आप में से किसी को भी अस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी एकता की भावनाओं और नैतिक समर्थन से ही हम मुगलों को धूल चटा देंगे। से हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप सभी अपने अपने घर जाएं और अपने परिवार के साथ समय बिताएं। हुक्म, मेरे विचार से हमें दुर्ग के सारे मशालों को बुझा देना चाहिए, ताकि अकबर ने अगर हम पर आक्रमण करने का सोचा तो अंधेरे की वजह से उसे हमारी स्थिति का पता नहीं चल पाए। नहीं डोडिया जी, बल्कि हमें तो लगता है कि हमें रात भर अपने दुर्ग की मशालों को जलते रहने देना चाहिए। उन मुगलों को संदेश पहुंचना चाहिए कि हम अकबर से भयभीत नहीं हैं। आ जाए वो किसी भी समय हम पर आक्रमण करने, उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी। हम अपनी प्रजा से एक निवेदन करना चाहते हैं कि वो सब आज का भोजन अपने घरों के बाहर खुले में बनाए। चूल्हे से निकले हुए धुएं को देखकर अकबर को ये पता चल सके कि मेवाड़ के हर नागरिक के हृदय में उसे समाप्त करने की आग धधक रही है। राणा उदय सिंह जी की जय। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। कहाँ जा रहे हो? वहां जात पीर मोहम्मद, तेरी मौत आ गई। काबू करो स्वाती पे जल्दी। विस्फोट की आवाज अवश्य भीतर गई होगी और सैनिक आते होंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें सफूर्ति दिखानी होगी। यह अंतिम अवसर है हमारे पास, सबसे पूर्ण। हम इन शवों को छुपाना होगा। ठीक है आचार्य जी, फिर सुरक्षा की दृष्टि से हम सब और बिखर जाते हैं। चक्रपाणि और हम सामने से प्रवेश करेंगे। तब तक आप चारों बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्र से होते हुए ऊपर चढ़कर जयमल जी तक पहुंचेंगे। जय मेवाड़। जय मेवाड़। चलिए। इकबाल, इकबाल जी जनाब, फौरन अपने सिपाहियों को लेकर जाओ और देखो ये धमाका कैसा हुआ है। जरूर ये धमाका हमारा बारूदी सुरंग वाले इलाके में हुआ है। और ध्यान रखे, कोई भी बाहर से अंदर ना पाए। जाओ। से ये धुआं कैसा उठ रहा है उसे अनहरी? जहां पना, किले में रहने वाले हर खास वाम खाना पका रहे हैं। राजपूतों में जंग से पहले त्योहारों वाला माहौल हो जाता है। दरअसल वे हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि वे क्या कि वे हमसे खौफ ज्यादा नहीं है। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, नालिम खान आपसे कुछ कहना चाहता। यह इन लोगों की नाकाबिले बर्दाश्त करने वाली हरकत है और हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। ये राजपूतों की ये नस्ल नहीं बल्कि आने वाली तमाम नस्लें ताउम्र मुगलों से खौफ खाएं। आ, 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 आ,
ध्यान से इधर पैर रखिएगा। चंपा जी अब हमें मत देखिए, आपको तो मुगल सैनिकों का ध्यान रखना है ना। ठीक है संभल के। यदि थोड़ा अधिक समय लग जाए तभी कोई बात नहीं, किंतु अब संभल के आइए। सुनिए। हाँ क्या ये गाड़ी किले के अंदर जा रही है? हाँ किले के अंदर जा रहे हैं अनाज लेकर। क्या आप कृपया हमें इस गाड़ी से किले के अंदर छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं द्वारपाल पकड़ लेंगे। चक्रपाणी कहीं आपने अधिक जोर से तो नहीं मारा? नहीं नहीं कुछ समय बाद आ जाएगी इनकी चेतना वापस। आइए संभाल के आइए। चक्रपाणी जी इन्हें आपके अच्छे से लेटा दीजिए जी। जाइए जी। कलर रस्सी में दीजिए पीछे हटिए। केतु सबसे पहले आप प्राचीर पर चढ़िए। हाँ। आइए संभल के जाइए। से भी विचलित मत होइएगा, उन्हें इन्हें हम पर संदेह हो जाएगा। जी। हे भगवान, शत्रुओं के सिपाही हमारी ओर आ रहे, जल्दी कीजिए, जल्दी। We'll be right back.
हुजूर, उधर लड़ाई चल रही थी, सब भाग गए, एक सैनिक धमाके में मारा गया। किसकी लड़ाई हुई? मुझे तो चोर लग रहे थे। हुजूर, हुजूर, कहाँ गए वो बागी राजपूत? वो इधर इधर गए। सैनिकों, फौरन चलकर खास दरवाजा बंद करो। जल्दी चढ़ाओ से फांसी पे, बहुत बर्दाश्त कर ली इसके नखरे। हमें यूं ही क्यों नहीं मार देते पीर मोहम्मद? अजीब विडंबना है, घबराहट हमें होनी चाहिए क्योंकि कुछ क्षण बाद हम मर जाने वाले हैं और घबराहट तुम्हें हो रही है पीर मोहम्मद, तुम्हें। तुम्हारे तो हाथ पांव फूलने लगे हैं, देखो। खामोश। पीर मोहम्मद, पता चला कुछ? वो धमाका हुआ था कैसे बाहर? काफी विलंब हो गया ना, तुमने किसी आदमी को भेजा था जानकारी हासिल करने के लिए, वो तो लौट कर आया नहीं। हमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है सब कुछ। पीर मोहम्मद, हमें लग रहा है कि तुम पर आक्रमण हो गया है और तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। कंपक्त, हमने कहा खामोश, खामोश। इंजमाम जनाब, फौरन बाहर जाओ और देखो हो क्या रहा है। एक बाल बाहर धमाके का पता करने का था लेकिन अभी तक वापस नहीं आया। बाहर जाओ और जल्दी बताओ कि माजरा क्या है। जी जनाब। पीर मोहम्मद, घबराओ मत, हमारे सैनिक तुम्हें बहुत अच्छी मृत्यु देंगे। एक बात तो निश्चित है पीर मोहम्मद, तुम गए काम से अब। अरे जल्दी चढ़ो से फांसी पे, जल्दी। कब तक हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठे रहोगे? आंखें बंद कर लेने से मैं यहां से जाने वाला हूं। मैं तुम्हारी रूह की आवाज, मुझे नहीं दबा पाओगे तुम। अब भी वक्त है बेवकूफ, चला जा यहाँ से, लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की तूने यहाँ पर आकर। वहाँ किले पे मशाले जलाकर वे राजपूत न सिर्फ तुम्हें ये जता रहे हैं कि वो तुमसे बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। वो शायद ये भी समझ गए हैं इस जंग को जीतने के लिए तुम्हारे पास कोई योजना नहीं। जाओ यहाँ से, हमने कहा जाओ यहाँ से। कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास, कोई योजना नहीं है तुम्हारे पास। जाओ यहाँ से। तुम केवल हमारा वहम हो। क्या हुआ जापना? आप ठीक तो है ना? जाओ यहाँ से। हमें एकांत चाहिए। बहुत देर हो चुकी है हुकम, आप थोड़ा विश्राम कर लें। अब तो हम तभी विश्राम करेंगे रोडिया जी, जब इन मुगलों को यहां से खदेड़ देंगे। उससे पहले अमर जी, आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आपसे शिकायत करने आए बड़े दाजीराज। शिकायत करनी? किसकी शिकायत? जगमाल काका की। क्या किया है उन्होंने? बहुत समय से वो हमसे और हमारे परिवार जनों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं। बहुत बड़ी भूल की है हमने कुंवर जगमाल को क्षमा करके। डोडिया जी, आप जाकर शत्रुओं की गतिविधि पर दृष्टि रखिए। हुकुम। आइए भंवर जी, आप हमारे साथ। बड़े दाजीराज, यह सचमुच अकबर की सेना बहुत बड़ी है। हाँ भंवर जी, बहुत बड़ी सेना है। तो क्या हम युद्ध में हार जाएंगे? नहीं, हम मुगलों को हरा देंगे। क्या सचमुच अकबर बहुत शक्तिशाली है?
हाँ भंवर जी, वो बहुत शक्तिशाली है। तो फिर हम क्यों लड़ रहे हैं उससे? क्या हम उसके साथ मिल बैठ कर मतभेद सुलझा नहीं सकते? और आखिर चाहता क्या है वो? अकबर हमारे राज्य को परास्त कर अपने राज्य में मिला लेना चाहता है। वो हमारे महल, हमारे घोड़े, हमारे खेत सब हमसे छीन लेना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके दास बन जाएं और वो हम सबका छत्र स्वामी बन जाए। यदि ऐसा हो जाए तब तो हम में से कोई नहीं मरेगा ना बड़े दाजी राज? उसे अपना स्वामी बनाकर हम सब अपना जीवन बचा सकते हैं ना? भंवर जी, किसी को भी अपना स्वामी मानने या बनाने से पहले ये जान लीजिए कि दास होता क्या है। दास वो होता है जिसके अपने अधिकार नहीं होते, जिसका आदर नहीं होता, जिसका सम्मान नहीं होता। ऐसे जीवन का क्या लाभ जिस जीवन में आपका सम्मान ना हो? अकबर हमें जीवन दे सकता है किंतु उसके बदले वो हमसे हमारी स्वतंत्रता, हमारी मातृभूमि, हमारे अधिकार सब कुछ छीन लेना चाहता है। वो हमें दास बना लेना चाहता है, अर्थात हमारा सिर उसके आगे झुक जाएगा। और सर झुकाने से अच्छा अच्छा सर उठा के मर जाना, जाना। स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए मर जाना, जाना। उत्तम भंवर जी, बहुत अच्छे भंवर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे भंवर जी, हमारे रहते आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जाइए और अब सो जाइए। हम कैसे सो सकते हैं बड़े दाजीराज? हमें तो दाजीराज की प्रतीक्षा करनी है ना। भंवर जी, आज रात तो आपके दाजीराज वापस आएंगे नहीं। संभव है जब कल सुबह आप सोकर उठें तब आपके दाजीराज जिस अभियान पे गए हैं वहां से विजयी होके वापस लौट आए। फिर जब वो कल लौटेंगे तब हम और दाजीराज मिलकर उस अकबर को हरा देंगे। अवश्य, तथास्तु। चलिए। किसी भी अनजान शख्स को अंदर नहीं आने देना है और जानने वाले को भी पूरी तलाशी के बाद ही अंदर जाने दो। किसी भी राजपूत को किले के अंदर नहीं आने देना है। हर अंदर आने वाले के कपड़ों की तलाशी लो अच्छी तरह से, क्या पता वो भेष बदल के अंदर आ जाए। और हाँ, जिस पर भी शक हो उसे फौरन गिरफ्तार करो। आ गया। कहां गए सब? कौन है? कौन है वहां? खबरदार, अब हमें हमसे लड़के भीतर जाना होगा। अब तक तो कुंवर प्रताप भीतर पहुंच चुके होंगे। कहां से आ रहे हो? जी, हम मेड़ता के ही है, किले वालों के लिए अनाज लेकर आ रहे हैं। तलाशी लो गाड़ी की। ये तो मेवाड़ का राज के संदेश लग रहा है, पर यदि ऐसा है तो ये यहां कैसे आ गया?
सब ठीक तो है राणा जी? हाँ धीर भाई जी, अब तक तो सब ठीक है। भगवान करे हमारा संदेश वाहक वहां पहुंच गया हो और कुंवर प्रताप शीघ्र आ जाए। हम भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं धीर भाई जी, कुंवर प्रताप की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हुजूर गाड़ी में कोई गड़बड़ नहीं है। जाओ जी। शीघ्र भीतर, हमारे पास समय बहुत कम है। महमल, तुमसे एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, शहंशाह अकबर का माथहत बनना है मंजूर, हां या ना? पीर मोहम्मद, सुबह से कितनी बार गिड़गिड़ा चुके हो, लगता है तुम भी अपने स्वामी अकबर की तरह जड़ बुद्धि हो चुके हो। जबान संभाल के जयमल, जबान संभाल के। जहां पनाए हमारे अकबर, आ जाओ उनके कदमों में, मुमकिन है तेरी खता मुआफ कर दे। और वैसे भी निर्णता तो हम मुगलों का होने ही वाला है, तू ख्वामखा अपनी जान दे रहा है अपने इस वतन के लिए। जब अकबर को पता है कि मेड़ता पर कब्जा हो चुका है तो फिर वो क्यों क्यों इस तरह के प्रयास कर रहा है तुम जानते हो? क्योंकि शहंशाह अकबर नहीं चाहते कि तुम जैसा नपुंसक उनके इर्द गिर्द रहे। अब देख मैं कैसे तुझे अपने हाथों से मारूंगा। उसके लिए मर्दानगी चाहिए। मेरी मर्दानगी पर सवाल उठाया ना तूने? अब देख मेरी मर्दानगी। पीर मोहम्मद नाम है मेरा, पीर मोहम्मद। मेवाड़ का शाही पैगाम यहाँ इस गाड़ी में? मेवाड़ का राज के संदेश यहाँ कैसे आ गया? कौन लाया होगा इसे? किसके लिए लाया होगा और क्यों लाया होगा? मेवाड़ का यह शाही पैगाम तुम्हारे पास कैसे आया? हमें क्या पता मालिक, हम तो गाड़ी चलाते हैं। तुम्हारी बैलगाड़ी में रास्ते में कौन बैठा था? रास्ते में हाँ एक राजपूत बैठा था। बैलगाड़ी चलाते चलाते हम उससे बात भी कर रहे थे और हुजूर अचानक सामने से मुगल सैनिक आ गए। पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं थे। पता नहीं, शायद वो उन्हीं का होगा। झूठ तो नहीं बोल रहे? हमारी क्या मजाल जो आपसे झूठ बोले। आपकी कसम नहीं, मतलब आप जिसकी कसम देना चाहे उसकी। जाओ जी। मेवाड़ का यह शाही पैगाम जनाब पीर मोहम्मद साहब तक हर हाल में पहुंचाना पड़ेगा। यह काम तो बहुत जरूरी है।
सुनो, फौरन दरवाजा बंद करो और जो भी अंदर आने की कोशिश करे उसे जान से मार दो। बंद कर। मार हमें कायर पीर मोहम्मद, मार हमें तो अपनी इस मृत्यु पर भी गर्व, क्योंकि इतने प्रलोभनों, इतने अत्याचारों के पश्चात भी हम तुम्हारे उस लालची अकबर के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाया। कभी दास्ता स्वीकार नहीं की तुम्हारी तरह। हम एक स्वतंत्र राजा की तरह जिए हैं अब तक, और स्वतंत्र राजा की भांति ही मृत्यु को भी स्वीकार करेंगे। दुख तो केवल इस बात का है पीर मोहम्मद कि हमारी मृत्यु तुम जैसे कायर के हाथों होगी। मार हमें पीर मोहम्मद, मार कायर। वो कहते हैं ना मियां, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। क्या हुआ? काबू में करो इसे, खुल ना पाए। हुजूर, हुजूर, ये क्या है? ये शहंशाह अकबर ने चित्तौड़ का किला घेर लिया है। कौन घुसाया किले में? पकड़ो इसे। माशाल्लाह, माशाल्लाह, राजपुताने की इकलौती रियासत जिसे शहंशाह अकबर की गुलामी कबूल नहीं थी, उसे भी शहंशाह अकबर की फौज ने खेल लिया है। माशाल्लाह। हुजूर, पर इससे वाबस्ता एक और परेशानी है। ये शाही पैगाम शहजादे प्रताप के नाम है। इसका मतलब प्रताप यहाँ है। ले पीर मोहम्मद, आ गई तेरी मौत। छुपा के रखा है जमल जी को, बताओ। वो सामने कैद खाने में। चल शकरबानी। एक बार जाओ और जाकर दरवाजा बंद करो और ध्यान रख कि कोई भी अंदर ना आने पाए। जाओ जनाब।
लगता है अंदर का दरवाजा बंद करें। चलिए प्रयास कीजिए उसे खोलने का। इस द्वार को तोड़ना असंभव है। वशी वीर मोहम्मद को पता चल गया होगा कि राजा जयमल जी को मुक्त कराने के लिए हम लोग यहां पहुंच चुके हैं। वीर मोहम्मद से भली भांति परिचित है। वो एक बहुत ही चालाक और कायर प्रकार का व्यक्ति है। वो अवश्य प्रयास करेगा जयमल जी को मारने का। वीर मोहम्मद, मैंने कहा था हमें जीवित मत छोड़ना। अब तू नहीं बचेगा वीर मोहम्मद। हमारी बंदूक लेकर आओ। मेरे पास एक योजना है, क्यों ना हम इस दीवार को धमाके के साथ उड़ा के भीतर प्रवेश कर जाए। धमाके से? ये विस्फोटक बारूद चूर्ण है। ये जयमल, मैं नहीं जानता कि आज मैं बचूंगा या मरूंगा, लेकिन इतना तो तय है कि आज तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। पता है ना ये क्या कर रही है? तकरीबन इसे ही मर भरोसा रखिए। आप सभी पीछे हट जाइए। बोल चुके तुम जयमल। अरे अब ये कायरों वाला हथियार चलाने में इतना समय क्यों पीर मोहम्मद? तेरे जैसे बेवकूफ योद्धाओं की मौत ऐसा ही लिखी है जयमल। और मार डालो, पकड़ो। इकबाल, मार डालो सबको, मारो। मियां, हम तो निकल रहे हैं यहां से। तुमने मुझसे झूठ कहा। वर्क झूठ छोड़ और अपने परमपिता को याद कर। हाँ, काका, ठीक है ना काका? अच्छा हुआ कल्ला तुम आ गए। एक लिंग जी, ठीक हूँ मैं। आप ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं।
और आपके बहुत आभारी भी हैं कुंवर प्रताप। जयमल जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जैसे वीर योद्धा को बचाकर हमने समूचे राजपूताने को उस अकबर की मुट्ठी में जाने से बचाया है, ये हमारा कर्तव्य था। वो आपके हम भी मोहम्मद के पीछे जा रहे हैं। कुर्बानी आप यहाँ रहकर जयमल जी का ध्यान रखें। बाबूजीराज इनका ध्यान रखने के लिए यहाँ और भी लोग हैं, हम चलते आपके साथ। नहीं चक्रपाणि, नहीं, पीर मोहम्मद से हमें अपने कुछ पुराने व्यक्तिगत हिसाब बराबर करने हैं। हम अकेले जाएंगे उसके पास। हमने कहा भागो, बैरम खान वो पीर मोहम्मद था। ले लीजिए। कुंवर प्रताप कहाँ पे? जी वे पीर मोहम्मद के पीछे गए। आपने उन्हें अकेले जाने कैसे दिया? आप जानते हैं कि अकेला जाना उनके प्राणों के लिए घातक हो सकता है। हमने कहा हमें साथ लेकर चलिए, परंतु वे अकेले ही चले गए। हम जाते कुंवर प्रताप के पीछे, अब यहां संभालिए। जरा गौर से देखिए अपने चारों ओर, माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। मेवाड़ से हारने के बाद आवाम पूरी तरह से पागल हो चुकी है। हमारी हार किसी से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारी आसपास की छोटी बड़ी जितनी भी रियासतें थी, मेवाड़ से हारने के बाद सारी रियासतें बगावत पर उतर आई हैं। अगर बदमनी का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द ना ही हमारे पास ताकत होगी, ना ही हमारे पास जमीन का एक भी। मेरी बस आपसे यही इल्तजा है कि हमें जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़कर अफगानिस्तान वापस चले जाने चाहिए। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, फौज में बेचैनी बढ़ती जा रही है हुजूर। मुगलिया फौज के लिए न राशन पानी जुट पा रहा है और न ही जरूरी काम के लिए मुलाजिम हमारे पास हुजूर। फौज के लिए खाना तो दूर, उनके लिए पानी तक लाने के लिए लोग नहीं है कोई। क्या हुक्म है जिले इलाही, अब हम क्या करें? गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह, पर हमें तो लगता है कि हम सचमुच मुसीबतें फंस गए हुजूर। अब भी वक्त है बेवकूफ, चला जा यहाँ से, यहाँ से लौट जा वापस, वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की है तूने यहाँ पर आकर। खामोश! आप ठीक तो है ना हुजूर? हुसैन अली, हम बहुत जल्द तुम्हें अपना फैसला सुनाएंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर आपकी हुक्म की तामील हुई है, हमने मेवाड़ के उस खबरची को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। रावत जी आए क्यों नहीं अब तक? उन्होंने हमें वचन दिया था कि सीमावर्ती चौकियों से 1000 सैन्य टुकड़ी लेकर आएंगे। क्या हुआ उन्हें? या शत्रु हमारे दुर्ग के सामने सीमा गाड़े खड़ा है और हम युद्ध के लिए सैनिक तक नहीं जुटा पा रहे, ये हो क्या रहा है? हुकम, रावत जी इसी कार्य के लिए गए। इतने कम समय में इतने ज्यादा सैनिकों को जमा करना संभवतः इसलिए विलंब हो रहा है, परंतु आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी किसी दूत को उनके पास भेजता हूं। राणा जी भोजन कर लीजिए। हुकम, स्थिति हमारे नियंत्रण में है, कृपा कर आप भोजन ग्रहण कर लें। कल रात भी आपने कुछ नहीं खाया राणा जी, यदि आप अपना मुंह जूठा नहीं करेंगे तो महल के बाकी लोग कैसे खाएंगे?
खम्मागढ़ी महाराज, एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। क्या समाचार है? हुकुम, रण सिंह जी पकड़े गए हैं। मुगलों ने मार्ग में ही उनको पकड़ के बंदी बना लिया है। वे इस समय अकबर के पास बंदी बने हुए हैं। प्रताप किले में है या नहीं? तुम चाहे मेरे प्राण ले लो, किंतु मेरा मुंह कभी नहीं खुलेगा, कभी नहीं। इतनी बेसब्री भी क्या है? तुम्हारी जान भी ले ली जाएगी, और उससे पहले तुम्हें मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। ले जाओ उसे, और इस कदर तकलीफ दो कि इसके बदन की हड्डियों के साथ साथ इसका राजपूती गरुड़ भी टूट जाए। यार बेग, जो करना है करो, लेकिन इसका मुंह खुलवा। हमें अपना आखिरी फैसला लेने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि प्रताप किले में है या नहीं। जो हुकुम जहां पना, हुकुम की तामील होगी। तो क्या कह रहे थे आप हुसैन अली? हाँ, बहुत सी मुश्किलात और बेचैन है। बहुत से कहो कि सब्र से काम, बहुत जल्द जंग के मुतालिक अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन तब तक उनके लिए गुलाम और कनीजों का इंतजाम किया जाए, और उसके लिए चित्तौड़ किले के आसपास के गांव पर हमला किया जाए, और वहां मौजूद हर मजबूत शख्स को गुलाम और हर जवान खातून को कनीज बनाकर हमारी फौज के लिए पेश किया जाए। जो हमारी बात ना माने उसका सर कलम कर दिया जाए। मेवाड़ पे अकबर की चढ़ाई का संदेशा कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचा। खम्मा घड़ी रामा जी, अकबर के एक सेनापति हुसैन अली ने मेवाड़ के गांव पे आक्रमण कर दिया है, और वो हमारे लोगों को पकड़ पकड़ के दास बना रहा है। हुकुम, हमारे शस्त्र और हमारा कवच तैयार किया जाए, हम अपने गांव की रक्षा करेंगे। हम मेवाड़ के एक भी नागरिक को अकबर का दास नहीं बनने देंगे। डोडिया जी, आपात सैन्य टुकड़ी तैयार की जाए। हुक्म। कुंवर प्रताप काका, कुंवर प्रताप आप लेट रहे काका। कुंवर प्रताप कहाँ है? कुंवर प्रताप लौटे नहीं अभी तक। हमें उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना देनी है, सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण सूचना। क्या सूचना है? चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया है अकबर की सेना ने। संभवतः कुंवर प्रताप के लिए कोई संदेश लेकर आ रहा था मेवाड़ से यहां पर, न जाने कैसे पीर मोहम्मद के हाथ लग गया वो। भाग रहे हो पीर मोहम्मद, तुम्हारे लिए हर रास्ता नर्क की ओर ही जाना है। कहां भाग रहे हो पीर मोहम्मद, तुम्हारे लिए हर रास्ता नर्क की ओर ही जाना है। प्रताप, तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था पीर मोहम्मद, बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था।
माफ कर दो पिता, खुदा के लिए माफ कर दो, जान जान बख्श दो हमारे प्रताप, जान बख्श दो। अरे मियां, मरने से पहले एक आखिरी सांस तो लेने दो। एक आखिरी सांस मियां, एक आखिरी सांस। उठाओ, तुम मुगल क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम यूं ही अपना वक्त यहां जाया कर रहे हो प्रताप, जबकि अबे तुम्हें तुम्हें चित्तौड़ में होना चाहिए था। चित्तौड़ में होना चाहिए था, कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहता हूं? बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा घर जल रहा है, तबाही के शोलों में तुम्हारा घर जल रहा है प्रताप। Ha 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 ha